मूविंग ऑन टू चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तो यहाँ पर क्या है देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप देखेंगे जो फाइनली करता है इन दी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पर 1857 का जो आपका वॉर होता है उसके पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो पास किया जाता है इसमें बहुत सारा ऐसा डिसीजन लिया गया जिसकी वजह से जो है हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ऐसा वॉर लाइक कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो गया नाउ इट इंट्रोड्यूस अ ग्राउंड ब्रेकिंग सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन दी लेजिस्लेटिव एंड एक्जीक्यूटि फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनल काउंसिल देखिए होता क्या है कि 1833 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप और भी याद रख सकते हैं कि यहां पर एक

और यहां पर आप बोल सकते हैं यहां पर सिक्स में इंक्लूड किया गया मतलब, में आप बोल सकते हैं, एक छोटा लेजिस्लेचर नहीं, नहीं करता था लेकिन ऑफ लॉज एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल को यहां पर अपॉइंट किया जाता है उसके बाद यहां पर इट इंप्लीमेंटेड एंड ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स मेकिंग दि कॉर्नेटेड सिविल सर्विस ओपन टू इंडियन कैंडिडेट तो यहां पर जो है फर्दर जो आप फिर से कॉम्पिटिशन ओपन किया जाता है फॉर इंडियन कैंडिडेट अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात जो आती है कि यहाँ पर एक्ट डिड नॉट स्पेसिफाई अ फिक्स ड्यूरेशन अभी तक आप जितने भी चार्टर एक्ट देख रहे थे तो वहां पर देखा जा रहा था कि 20 इयर्स के लिए एक्सटेंशन मिल रहा था लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि देर वॉज नो स्पेसिफिक टाइम गिवेन यहाँ पर कोई भी ऐसा टाइम स्पेसिफिक नहीं था कि इतने टाइम तक जो है वो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल रहेगा तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ग्रेजुअली टेकिंग कंट्रोल ऑफ इंडिया और यहां पर ये जो इन्होंने कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पता चल गया कि अब उनका एंड जो है वो काफी नियर है और कभी भी उनसे ये पावर्स जो दीवानी राइट थे और जो रेवेन्यू कलेक्शन का पावर्स था वो कभी भी छीना जा सकता आपको पता है इसके बाद जो है इन्होंने काफी रिग्रेसिव पॉलिसीज चलाया जैसे डॉक्टर ऑफ लैब्स जिसके वजह से ये मैक्सिमम कंट्रोल कर पाए मैक्सिमम रेवेन्यूज जनरेट कर पाए क्योंकि इनका एक्टिविटीज ऑलरेडी बंद हो चुका था और एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन था उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑलरेडी नजर था